है पटनागर जी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, आईजीपी जम्मू श्री आनंद जैन जी, जम्मू के डीसी श्री सचिन वैश जी, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स मुशीर अहमद जी, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारीगण, आदिवासी समाज से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों भाइयों तथा प्यारे बच्चों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदाय के जिलों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उस दिन बादीपुरा जिले के गुरेज और रजौरी में बुद्धल से इस यात्रा का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी, उनके सैचुरेशन तथा जनजातीय समुदाय के होलिस्टिक वेलफेयर के लिए एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके कारण अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयासों को नए सिरे से मजबूती मिलेगी। उस पर चर्चा करने के पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा तथा आदिवासी समुदाय की महान विभूतियों, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्य संगीत की परंपरा को सजो कर रखने वाले आदिवासी पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि हजारों सालों से आक्रमण झेलने के बावजूद इस देश के प्राणों में अगर ऊर्जा उत्पन्न शिखर पर थी, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में जीवंतता बनी हुई थी, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के अनुष्ठानों में निरंतरता बनी हुई थी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के आदिवासी पूर्वजों का रहा है। तमाम संघर्षों के बावजूद वह निरंतर राष्ट्र की मर्यादा, समाज के आचार विचार और रीति रिवाजों की रक्षा करके उसे विरासत के रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहे और इस देश के अद्भुत इतिहास में शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं करुणा का नायाब उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए मैं मानता हूं कि आदिवासी इतिहास विजय गाथाओं का इतिहास है, आदिवासी इतिहास शक्ति का इतिहास है। इस देश में आदिकाल से अनेक जनजातियां हैं, उनकी विभिन्न भाषा है, अलग रहन सहन है, खान पान है, लेकिन सभी का एक धर्म, देश प्रेम तथा राष्ट्रीय एकता है, ये भी उतना ही सच है। आत्मतल पर जनजातीय समुदाय की विविधता के रंगों में एकता का गहरा रंग मिला हुआ है और अलग अलग आदिवासी संस्कृतियों में एक खास तरह का तादात्म्य नजर आता है। देश की सांस्कृतिक विविधता को मैं व्यक्तिगत रूप से परिधि के रूप में देखता हूँ और आदिवासी समुदाय उसका केंद्र बिंदु है। मित्रों, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आदिवासी पूर्वजों ने जो त्याग किया, जो बलिदान किया, जिस संघर्ष के लिए वह मर मिटे, उसे आज़ादी मिलने के बाद रचे गए इतिहास के पन्नों में वह उपयुक्त जगह नहीं मिली जिसके वास्तव में वह हकदार थे। भगवान बिरसा मुंडा हों, रानी गाईदिनिल्लू हों, अल्लूरी सीतारमण हों, सुरेंद्र साय हों, ऐसे अनेक आदिवासी नायकों को समाज की चेतना में पुनर्स्थापित करने का काम देश में शुरू हुआ है। पिछले 9 वर्षों में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समुदाय की चहुंमुखी तरक्की को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और दशकों से हाशिए पर जीवन गुजार रहे देश के ऐसे अनेक आदिवासी परिवारों के जीवन के स्तर में व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम है कि हमारे देश में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना था जब इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। आज एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की कोशिश हो रही है जिसमें आदिवासी परिवारों को
अपने भाग्य की रचना स्वयं करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। मैं मानता हूं कि सदियों से आदिवासी जीवन का स्वभाव प्राकृतिक विस्तार का रहा है। आज उन्हें अपने लक्ष्यों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक परिवर्तन और आदिवासी समुदाय की गतिशीलता के लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगा। आग क्या सर्द हुई बर्फ को पानी करके, हम भी दरिया हुए महसूस रवानी करके, एक नए दिन की शुरुआत हुई जाती है, काफिलो आगे बढ़ो खत्म कहानी करके, लोग रखते हैं जरात से जमीनें खुश रंग, हम भी देखें किसी पोशाक को धानी करके, हम भी देखें किसी पोशाक को धानी करके। मित्रों, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, इस यूनियन टेरिटरी में आदिवासी गौरव की स्वर्णिम गाथाओं को स्मरण करके उनके भविष्य के नए मार्ग तैयार करने का अनवरत प्रयास पिछले 3-4 वर्षों में किया गया है। इस पुण्य भूमि पर आदिवासी समुदाय का डंका बजे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत रूप से भी कोई कसर हमने छोड़ने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि पूरे देश में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर के हमारे आदिवासी भाई बहन इसका लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 के बाद वह सुखद दिन आया और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ लागू किया, जैसा अभी चीफ सेक्रेटरी मेहता जी बता रहे थे। कम्युनिटी राइट्स 100% दे दिए गए, इंडिविजुअल राइट्स भी काफी लोगों को मिले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी उसमें और जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि पंचायत स्तर पर ही अधिकांश रिजेक्शन हो जा रहा है। मैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के लोगों से भी और प्रशासन के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो वास्तव में एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, जो सही हैं, उन्हें हमें जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना चाहिए। इसके सपने यहाँ के लोगों ने दशकों से सजोए थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। चंद अभिजात वर्ग के लोगों ने ऐसे नियम बना दिए थे कि आदिवासी समुदाय को उसका लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अभी भी मैंने जैसा कहा कि एकजुट करके हम प्रयास करेंगे कि अमृत कालखंड में आदिवासी गौरव का कालखंड बना सकें हम। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो आपको कड़वी सच्चाई जैसी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी सच बोलना बड़ा जरूरी होता है। अनेक दशकों के बाद आदिवासी समुदाय को एक अवसर मिला है कि संगठित होकर पूरे समुदाय की तकदीर आप बदल सकें। इस मौके पर अगर हम आपसी द्वेष में समय जाया करेंगे, मुझे लगता है बहुत बड़े अवसर से हम चूक जाएंगे। कभी कभी शिकायतें आती हैं, चंद लोगों के कारण पूरे समुदाय को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यह समुदाय की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनके कृत्यों के कारण पूरे समाज की बदनामी भी होती है और पूरे समाज को नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, खासतौर से जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, उनसे मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। प्रबुद्ध वर्ग की एक महती जिम्मेदारी है कि अब पूरे समाज के हितों की चिंता करते हुए चंद लोगों के गलत कामों के कारण समाज का हित पर चोट पहुंचे, मैं समझता हूं कि इसको जरूर हमें देखना चाहिए। यह समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, बल्कि पूरे पुरुषार्थ के साथ धरती का सीना चीर कर नई संपदा तैयार करने का है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आपसी लड़ाई से नहीं बल्कि एकता से ही समाज ताकतवर बनता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है कि आपके लिए जो भी किया जा सकता है वो जरूर किया जाए, आपको वो शक्ति दी जाए जिससे आने वाली आपकी पीढ़ियां, नस्लें एक नया वातावरण बना सके। अगर समुदाय के कुछ लोग कमजोर हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपसी द्वेष की वजह से किसी का हक छीना जा रहा है, तो स्थिति को संभालना और लोगों को समझाना समाज के प्रबुद्ध लोगों का प्राथमिक दायित्व तो बनता है। मैं चाहूंगा कि आदिवासी समाज का हर एक नागरिक अधिकारों के प्रति जागृत हो। मैं चाहता हूं कि हर एक आदिवासी भाई बहन एक दूसरे को बराबर समझकर अपना कर्तव्य निभाएं तथा विकसित भारत में आदिवासी समुदाय का योगदान किसी से समुदाय से कम न हो, ऐसी स्थिति हम पैदा करें।
मेरे अनेक भाई बहन इस बात से वाकिफ हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में आदिवासी समुदाय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 नवंबर से सभी योजनाओं के सैचुरेशन का एक नए सिरे से प्रयास प्रारंभ हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जनजातीय जिलों के लिए 5 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला, सिकल सेल एनीमिया की पूर्ण रूप से समाप्ति। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में विद्यार्थियों के एनरोलमेंट में वृद्धि नहीं बल्कि पूरा सैचुरेशन। स्कॉलरशिप स्कीम का भी 100% सैचुरेशन। इंडिविजुअल तथा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट तथा का टाइटल और वनधन विकास केंद्रों की स्थापना। इन 5 योजनाओं को आने वाले समय में पूरे देश में पूरा करने की एक नई मुहिम हुई है। जम्मू कश्मीर में भी हम कोशिश करेंगे कि इन योजनाओं को पूरी तरह से 100% सैचुरेट कर दिया जाए। मैं मानता हूं कि पिछले 38-40 महीनों में ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजनाओं का लाभ तथा समाज कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का फायदा, लाखों गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, जो भी हमारे आदिवासी भाई हैं उनके परिवारों तक पहुंचाने में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ प्रशासन सफल रहा है। अनेक असंतुलित विकास से पीड़ित आदिवासी क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उनके लिए सामाजिक न्याय का पूरा लाभ प्रदान किया गया है। जहां कहीं भी गैप है, किसी तरह की समस्या है, उसे दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन यह सुनिश्चित किया है कि आदिवासी समुदाय को मिल रहे सभी लाभ और अधिकार उसी स्तर के हों जो समाज के अन्य तबकों और नागरिकों को मिलते हैं। आज मैं बड़े गर्व से आपके बीच कहना चाहता हूँ, पिछले 38 महीनों में आदिवासी समुदाय की शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपरा, उनकी विरासत और उनकी संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। नए हॉस्टल हों, स्मार्ट स्कूल का निर्माण हो, सीजनल स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाना हो, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य बनाना हो, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही स्कीम के जरिए ये कोशिश हम कर रहे हैं कि 21वीं सदी के बदलाव के एक लाभ आदिवासी नौजवानों को भी मिले, आदिवासी बच्चों को भी मिले और तरक्की के सभी अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। होस्ट 50, टॉप 50, स्टार्स 100 जैसे कार्यक्रमों से ट्राइबल समुदाय के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नए रास्ते हमने बनाए हैं। हमारी कोशिश है कि सफलता के उच्चतम शिखरों पर आदिवासी समाज के नौजवानों का परचम आने वाले दिनों में लहराए। इसी वर्ष जुलाई में लॉ 20 कोचिंग स्कीम हमने शुरू की थी, जिसके तहत आदिवासी हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थी जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग मुहैया कराने का प्रबंध हमने किया है। पिछले वर्ष नीट तथा जेई की कोचिंग के लिए 100 टैलेंटेड ट्राइबल बच्चे बच्चियों को चिन्हित किया गया और उसका पूरा खर्च जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाया था। स्कीम MBBS और BDS की कोचिंग के लिए भी फ्री कोचिंग की व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ट्राइबल बच्चों के लिए किया है। उनके उज्जवल भविष्य का यही आधार बनेगा। आदिवासी समुदाय के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पिछले वर्ष 5,000 इस वर्ष 5,000 नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है, उसमें हमने सुनिश्चित किया है कि 10% नहीं 12% सीटें आदिवासी समुदाय के बच्चों और बच्चियों के लिए रिजर्व कर दी है। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को फंक्शनल किया गया है। रजौरी, रियासी, कुलगाम, बादीपुरा, कालाकोट, कठुआ, सांबा, हंदवाड़ा में 8 नए आदिवासी हॉस्टल नई पीढ़ी को समर्पित किए गए हैं। 1 साल के भीतर 25 नए हॉस्टल का शिलान्यास किया गया है। 26 पुराने हॉस्टलों को मॉडर्नाइज किया गया है, तो 70 साल में जितने हॉस्टल बने थे आदिवासियों के लिए, उससे ज्यादा हॉस्टल 3 साल में बनाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी करके संख्या में भी बढ़ोतरी की और धनराशि भी बढ़ाई है,
50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हाई स्कूल के नीचे के बच्चों को हर साल जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है। माइग्रेशन की बात जम्मू मेहता जी ने बताई है, दो दो महीने आपको लगते थे, अब दो दिन में आप घरों तक पहुंच जा रहे हैं। ये व्यवस्था भी प्रशासन ने की है और वो भी फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई है। अखबारों में आपने खबर पढ़ी होगी कि सिर्फ दो जिलों कुलगाम तथा अनंतनाग से 609 ट्रकों में 35,000 से ज्यादा माल मवेशियों को मात्र एक दिन में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू पहुंचाने का काम किया। 3200 से ज्यादा ट्रक अलग अलग जगहों पर हमने खड़े कराए थे ताकि सभी माइग्रेटरी आदिवासी परिवारों को पूरी सहूलियत से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। माइग्रेटरी आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमने एम्बुलेंस की सेवा शुरू की, जिसके जरिए रिमोट और दुर्गम एरिया में भी बराबर डॉक्टर उपलब्ध मिल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता की जा रही। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय किया था कि ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये काम भी हमने पूरा किया है। मेरा एक आग्रह है कि प्रधानमंत्री बंधन विकास योजना का लाभ आदिवासी समुदाय के सभी परिवारों तक पहुंचाने के लिए आदिवासी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करने के प्रयास हमें और तेज करने होंगे। कुछ बने हैं मैं जानता हूं, लेकिन इस प्रयास को हमें तेज करना होगा। साथ ही सीप तथा डेयरी सेक्टर में सहकारी समितियों की स्थापना पर डिपार्टमेंट के लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। ये सच है कि लंबे समय तक आदिवासी तबके को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, उन्हें सिर्फ सपने दिखाए गए, जल्द ही गरीबी तथा अन्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि साधन और समुदाय के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई। कुछ योजनाएं लागू भी की गई, वो कभी सही तरीके से जमीन पर नहीं पहुंचती थी। आज जब आदिवासी समुदाय के जीवन में नई सुबह आने वाली है, तब हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हर एक परिवार फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जुड़ जाए, सभी लाभ सीधे उसके अकाउंट में पहुंचे। जम्मू कश्मीर का आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उनके अलिखित ज्ञान का सही संरक्षण भी सुनिश्चित करना, ये मैं समझता हूँ कि संस्थान की पहली जिम्मेदारी है। आदिवासी समुदाय विकास के सभी मानदंडों पर आगे बढ़े, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। शासन तंत्र की सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के सभी आदिवासी परिवारों तक पहुंचे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर एक आदिवासी परिवार का जीवन गरिमा में हो, किसी भी क्षेत्र में उन्हें किसी तरह का अभाव न हो, समता सामाजिक न्याय की व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह सभी स्टेक होल्डर्स अधिकारियों और डिपार्टमेंट्स के आत्ममंथन एवं कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का भी समय है। पूरी सावधानी से हमें ध्यान रखना है कि विकसित भारत के संकल्प यात्रा के दौरान एक भी योग्य लाभार्थी परिवार छूटने न पाए। मेरी नज़र में वह सबसे बड़ा गुनाहगार है जो आम आदमी को उसके हुकूक से वंचित रखता है। इसलिए मैंने आप लोगों से विशेष उम्मीद बांध रखी कि जितनी बड़ी चुनौतियां आएं, रास्ता बनाकर विकास के अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति तक हर लाभ हमें सुनिश्चित ही पहुंचाना होगा। जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 अमृत स्तंभों को भी मजबूत बनाने का आह्वान किया है। पहला अमृत स्तंभ है नारी शक्ति। जब तक हमारी बहनें हमारी बच्चियां मजबूत नहीं होंगी, समाज मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरा अमृत स्तंभ है किसान। जो हमारे भाई खेती बाड़ी से जुड़े हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा अमृत स्तंभ है नौजवान। जो युवा पीढ़ी है आदिवासी समुदाय की, उसे मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और चौथा और अंतिम अमृत स्तंभ है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। ये 4 स्तंभों को मजबूत करना ये हम सबकी सामूहिक शक्ति और कर्तव्य के प्रति श्रद्धा से काम करने की आवश्यकता है, तब हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी एक बार प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि
पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। जनजातीय गौरव सप्ताह के आयोजन में जो कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन कलाकारों ने भाग लिया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन नौजवानों ने की है। विभाग के वे लोग जो इस आयोजन से जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपने बड़ी मेहनत करके एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आने वाले दिनों में यात्राएं जब चलेंगी तो हम लोग उस कार्यक्रम में भी आएंगे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र हो रहा है, आप सब जानते हैं कि फैसला यहाँ किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र व्यक्ति हैं, जो एलिजिबल हैं और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला जमीन देगा। ऐसे जो लोग भी पात्र रहे उनको जमीन उपलब्ध करा दी गई। ट्राइबल प्लान के अंतर्गत जो आवास मिलने हैं उसमें मुझे मेरी जानकारी में है 17,000 के आसपास लोग हैं, और विशेष रूप से बकरवाल भाई हैं, बाकी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। मैं भरोसा देना चाहता हूँ उन सारे पात्र लोगों को जो एलिजिबल हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन आवास के लिए 5 मरले जमीन आने वाले दिनों में उपलब्ध कराएगा, ताकि उनका अपना सपना, घर का सपना पूरा हो सके। आदि आदर्श गांव योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए उस पंचायत जिसकी जिसमें 500 से ज्यादा आबादी है आदिवासी भाई बहनों की, या आधी आबादी आदिवासी है, तो 1 करोड़ रुपए अलग से भारत सरकार उस पंचायत के विकास के लिए दे रही है। मैं समझता हूं कि जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ था वो पिछले 3-4 वर्षों में हमने पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। पिछली बार जब भारत के गृह मंत्री जी आए थे रजौरी और बारामूला की सभा में, उन्होंने जोर देकर के एक बात कही थी, आपका जो आरक्षण है 10%, उसमें एक भी कटौती नहीं होने वाली। कुछ लोग हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, जोर देकर के कह रहा हूं कि अगर नौकरी 500 थी तो 499 नहीं हो सकती है। अगर एडमिशन 1000 बच्चों को मिलता था तो 999 नहीं होगा, 1000 ही रहेगा, और उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। आज की तारीख में जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, जितनी भी कम्युनिटी है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ग प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने सदैव आपको गुमराह किया है, तरह तरह की बातें आपके बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रबुद्ध लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि इन्होंने बराबर आपका नुकसान किया है। अब वक्त आया है कि विकसित भारत की यात्रा में आप बढ़ चढ़ करके योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने में हम सब मिलकर के काम करें। अपनी बात पूरी करने के पहले चंद लाइनें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। है रात तो इसके बाद शहर अनावर भी लेकर आएगी, है रात तो इसके बाद शहर अनावर भी लेकर आएगी, है सुबह तो सब तारों के चमकते हार भी लेकर आएगी। फिर जुलमते गाहे आलम पर अनवार का परचम चमकेगा, फिर धूप चढ़ेगी कोठों पर, फिर नैयरे अजम चमकेगा, फिर धूप चढ़ेगी कोठों पर, फिर नैयरे अजम चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिरसा मुंडा।